हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो बच्चे मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर DSSBPRT का जो पेपर अब मार्च में होने वाला है, इसमें लास्ट मंथ स्ट्रेटजी बताएं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर किसी ने तैयारी ना कर रखी और वो इस लास्ट महीने में तैयारी करके सिलेक्शन पा लेगा। वो किस्मत वगैरह यहाँ नहीं चलती है, ठीक है, कि आप सोचो कि मैं तुक्के तुक्के में जो पढ़ूंगा वो चल जाएगा और वही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये गाइडेंस उसके काम आएगी लास्ट मिनट अपनी लास्ट मंथ जो तैयारी कर रहा था और जो लास्ट मंथ बस एक परफेक्ट गाइडेंस चाहता है, परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहता है कि मुझे ये ऐसे करना चाहिए। तो मैं सब्जेक्ट वाइज डील करूँगा, ठीक है ना। देखो, पहले तो एक ओवरऑल गाइडेंस है कि अब आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसके आगे ना पढ़े। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप में से कई कह सकते हैं कि सर अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हमें 100% नहीं हो रखा। देखो, याद रखना 100% तो कभी किसी का नहीं होता, सिलेबस कवर 100% कभी किसी का नहीं होता, हर किसी की कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है, ठीक है ना। लेकिन करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि जो भी हमें आता है या जो हम कर चुके होते हैं उसमें हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कर लेना चाहिए। तो पहली गाइडेंस तो यही है ओवरऑल कि आपको नया नहीं पढ़ना चाहिए, अब नया बंद कर देना चाहिए या एक दो दिन और ले लो, संडे तक और ले लो, उसके बाद नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, जितना भी आपके पास कंटेंट है और आपने आज तक पढ़ा है आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए, कम से कम 4 to 5 times सारा का सारा जो भी आपने आज तक पढ़ा है इस पेपर के लिए। और अब आपको बहुत फोकस करना चाहिए किस सब्जेक्ट पे, करंट अफेयर वाले टॉपिक पे। करंट अफेयर को डेली पढ़ना चाहिए 2 घंटे, ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर वाला टॉपिक आपने, मुझे भी पता और आपको भी पता है कि पूरे साल भर या पूरे 6 महीने या थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रिपरेशन आपने उसे कंटिन्यू नहीं करा होगा। बहुत रेयर केस होता है जो हम करते हैं, तो उसे जब लास्ट मंथ में अगर हम उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे हमें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात आती है मैथ्स की। मान लो मैथ्स में आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके 20 में से 10 आ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है ना, तो आपको मेरे हिसाब से 20 में से 15-14 तो उठाने चाहिए और अच्छे हो तो 18 तक ले जाना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग में तो आप अच्छा स्कोर कर ही लेंगे, आप क्या सभी कर लेंगे, ठीक है ना, वो टाइम का फैक्टर रहेगा। मैथ्स में आपको 20 में से कम 15 तक लेके जाना है अपना टारगेट। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो दो ही चीज़ हो सकती है, ये लास्ट टाइम मुझसे एक बच्ची ने पूछा भी था और मैंने बताया था, देखो दो चीज़ हो सकती है। पहली चीज़, जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया और मान लो उसमें आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, अब आपको सबसे पहले उन 10 क्वेश्चन को ये देखना है कि वो 10 क्वेश्चन आपने वो वाले टॉपिक पढ़े थे ही नहीं, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े थे तो अब तो प्लीज़ मत पढ़ना, अब वो समय नहीं है पढ़ने का, अब है जो करा है उसे और अच्छा करने का समय। बाकी ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैं तो कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम है गाइडेंस देना, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब लास्ट टाइम पे आप जैसे 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स में मॉक टेस्ट में नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, तो आपने क्या करना है, देखना उन 10 क्वेश्चनों को कि वो 10 क्वेश्चन एक्चुअल में किस टॉपिक में से आए, मैथ के किस पोर्शन में से आए। अगर वो पोर्शन आपने कर रखा है और फिर भी आप नहीं कर पाए तो ये चिंता का विषय है, और अगर आपने नहीं करा तो फिर तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जो अभी तक नहीं करा अब उसे क्या कर लोगे। तो आपने करना क्या चाहिए, अगर वो 10 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन जो आपके गलत हुए उन टॉपिक में से आए जो आपने कर रखे हैं फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो अब आपको उन क्वेश्चनों को सोचना है। ये लास्ट जो टाइम होता है ना, 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन, ये इस चीज़ के लिए होता है कि आपको अब अपने स्किल्स को निखारना है। कोई टॉपिक पढ़ा है आपने, उससे क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो ये लास्ट मोमेंट का जो टाइम होता है ये इस चीज़ के लिए होता है कि आप ये देखो कि क्वेश्चन मैं क्यों नहीं समझ पा रहा कि कहाँ से आ रहे हैं। और पैडागॉजी वाले सेक्शन के लिए, आपके टीचिंग सब्जेक्ट वाले सेक्शन के लिए मेरी तो यही गाइडेंस रहेगी कि जितने हो सके, देखो 5 या 6 बार रिविज़न तो करनी है, तो नया तो कर ही नहीं सकते। और अगर आप नया अभी भी खींचने की कोशिश कर रहे हो तो आप 5 या 6 बार रिवीजन नहीं कर पाओगे, दोनों अपनी जगह। अब आपको क्या करना चाहिए, 5 या 6 बार रिवीजन करके अब, अच्छा पहली बात तो ये, अब कम से कम जो DSSBPRT का सीरियस कैंडिडेट है और जो सिलेक्शन लेके जाएगा वो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ रहा होगा अब, और पढ़ना चाहिए, और 8 से 10 घंटे अपने आप ही पढ़ा जाएगा अगर उसके लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो।
और अब कईयों का 4 से 5 में भी हो जाता है वो, यार सबके अलग अलग एफिशिएंसी और कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है ना। तो आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, 5 या 6 बार रिवीजन करो, नया मत कुछ भी मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसे ही रिवीजन करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर के जब सारे लग जाए तो फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद उस सब्जेक्ट के और एग्ज़ाम से, जैसे मानो यूपी में जो होता है, केवीएस में जो होता है, एनवीएस में जो होता है, सब्जेक्ट तो सेम ही है ना, उसके एमसीक्यू लगाओ। और लास्ट मोमेंट इसीलिए होता है, बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि नया पढ़ना बंद करें, रिवीजन पे फोकस करें, ठीक है ना। और बाकी इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही है कि कितना भी कर लो वोकैब, आपका वोकैब में तो कोई श्योर नहीं हो सकता कि हम सारे कर सकते हैं। ग्रामर के रूल आपके रिवाइज होने चाहिए सारे के सारे, आपको यही सब करना है, ठीक है ना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो बस यही स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था कि लास्ट मोमेंट में रिवीजन पे बहुत फोकस देना चाहिए। और अगर रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि पेपर में आपके पास स्ट्रेस और बहुत सारे पैरामीटर्स अलग होंगे जिसके वजह से आप अपनी एफिशिएंसी वैसे ही कम कर दोगे, ठीक है ना। टाइम फैक्टर हो गया, स्ट्रेस हो गया, और दुनिया भर की चीज़ें दाव पे लगी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अब रिलैक्स माइंड में रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल गाइडेंस है किसके लिए, DSSBPRT के लिए, और यही गाइडेंस सबके लिए होता है, ठीक है ना। आप UPSC का भी पेपर देते तब भी यही गाइडेंस होता, लेकिन वही बात है कि हम किसको बता सकते हैं और कौन सामने वाला समझ सकता है। समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला, देखो याद रखना, ये जो पेपर्स होते हैं ना, जैसे अभी DSSBPRT का पेपर है, आपको लग रहा होगा कि एक एग्ज़ाम है, छूट जाएगा, मैं अगला दे दूंगा, ये एग्ज़ाम नहीं होता, ये लाइफ चेंज करने के मौके होते हैं। और ये छूट गए ना तो आप गारंटेड नहीं हो कि अगला कब आएगा, तो एक भी मौके को मत छोड़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी जॉब में लगा हुआ है उसने यही करा है। देखो जो जॉब में लगा है और जो जॉब में नहीं लगा है, नॉलेज का बिल्कुल फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क है सही समय का। सही समय पे सही मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पा लोगे, अदरवाइज़ ज़िंदगी भर भागते रहोगे, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।